हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज बेटा हम हिंदी में हमारा नेक्स्ट करेंगे लिखित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें करेंगे, ठीक है। बादल के रंग रूप का वर्णन करो, इसको मैंने एक अलग फॉर्म में बनाए हैं क्वेश्चन आंसर्स, जैसे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, विद क्वेश्चंस विद आंसर्स। बादल के रंग रूप का वर्णन करो, बादल का रंग रूप कैसा है? बादल सांवले और चिकने शरीर का होता है, यह अपना रंग रूप बदलता रहता है, कभी यह गरजता है तो कभी बिजली बनकर चमकता है तो कभी बरसता है, ठीक है। कभी देखो गरज रहा है जोर जोर से, कभी बरस रहा है, कभी चमक रहा है, अलग अलग होते हैं ना इसके रंग रूप। बादल के अन्य तीन नाम लिखो, मेघ घन जलधर, तीनों नाम से हम बुलाते हैं। जैसे पानी को हम जल भी बोल देते हैं, वाटर भी बोल देते हैं, ऐसे ही हम बादलों को भी, कोई मेघ बोल देता है, कोई घन बोल देता है, कोई जलधर बोल देता है। नेक्स्ट अब क्या है, बादल अपने माता पिता के क्या नाम बताता है? देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था, वही रिपीट हो रहे हैं। बादल के पिता सागर हैं और माता सूर्य की किरण है। बादल ने स्वयं को सागर पुत्र क्यों कहा है? बादल ने स्वयं को सागर पुत्र इसलिए कहा है क्योंकि बादल जो है सागर से ही भाप के रूप में ऊपर उठते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना भाप के रूप में कैसे उठते हैं, जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो वो गर्मी की वजह से पानी क्या है, भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है और वो बादल बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिता पुत्र के स्वभाव में क्या अंतर है? दोनों के नेचर में काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो समुद्र का पानी खारा होता है, कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर समुंदर का पानी मीठा होता तो कितना काम आता खेती बाड़ी में, पीने के पानी की कभी कमी ना होती, है ना। तो और क्या है, पर बारिश का पानी तो मीठा होता है, सभी स्टोर करके रखते हैं, पीते भी हैं, है ना। तो बादल के पिता सागर खारे स्वभाव के हैं और जबकि बादल खारे पानी को भी मीठा बना देता है। ओके, नेक्स्ट है, बादल परोपकारी कैसे हैं? परोपकारी क्या होता है? परोपकारी पता है आपको क्या होता है? परोपकारी यानी कि दूसरों का भला करने वाला परोपकारी कहलाता है। परोपकारी किसे कहते हैं? जो दूसरों का भला करते हैं। तो बादल परोपकारी कैसे है? वो क्या भला करता है? वो बारिश करता है तो क्या होता है, फसलें खिल उठती हैं, सबको पीने के लिए पानी मिलता है, जहाँ कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो जानवर भी पी लेते हैं, है ना। कितना भला करता है वो, किसानों का कितना सच्चा मित्र है, उसे सबकी चिंता लगी रहती है। और जब बादल काले काले बादल आ जाते हैं तो मौसम भी ठंडा हो जाता है, हमें भी कितना मज़ा आता है ना। तो बादल दूसरों का भला करते हैं, उसे सभी की चिंता लगी रहती है अन्य प्राणियों की, और वे किसानों का सच्चा मित्र है। ओके, नेक्स्ट है, बादल का भयंकर रूप क्या करता है? अब जब बादल को गुस्सा आता है तो क्या करता है वो, बादल फट जाता है, बाढ़ बाढ़ आ जाती है, पूरे का पूरा शहर डूब जाता है, है ना। तो फिर क्या है, बादल क्या है, धरती पे बाढ़ ला देते हैं, ठीक है, और खेत खलिहान सब मकान सब डूब जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सूखे के लिए हम उत्तरदायी कैसे हैं? अब जैसे बाढ़ आ जाती है तो चलो गुस्सा आ जाता है बादल को, पर कई बार क्या है बारिश ही नहीं होती है, सूखा सूखा पड़ जाता है, तो उसके लिए उत्तरदायी होता है भी हम कैसे जिम्मेदार हैं, हमारी क्या गलती है उसके लिए, हम क्या, हमने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे सूखा पड़ रहा है। सूखा क्या है, अगर हम वृक्ष काटेंगे तो बादल क्या है पानी नहीं बरसाएंगे, क्योंकि जो वृक्ष हैं पेड़ हैं वो बारिश लेके आते हैं, ठीक है। और अगर हम उनको काट के घर बना लिए, बिल्डिंग्स बना ली, होटल्स बना लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा ली, तो पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, तो फिर बादल क्या है पानी कहाँ से बरसाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, वृक्षों को काटने से बादल नहीं बनते, जिसके कारण धरती पर वर्षा नहीं होती और चारों ओर सूखा पड़ जाता है। ओके, तो इस तरह से बेटा ये आपने अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में, वन बाय वन ये क्वेश्चन आंसर जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपने अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करने हैं। ओके, टेक केयर।